वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल पंप के वर्किंग को पढ़ा था, है ना। और अब हमें पढ़ना है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो समझते हैं मल्टी स्टेज क्या होता है। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में कई स्टेजेस होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेजेस होते हैं, इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा स्टेजेस अगर कहीं पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो उसे मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप में दो या दो से अधिक इम्पेलर्स को हम लोग फिट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा इम्पेलर्स अगर कहीं भी यूज हो रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, तो उन्हें हम कहेंगे मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, फॉर हाई हाइट उच्च स्टेज के लिए, फॉर हाई हाइट सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर को सेम शाफ्ट पर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उच्च ऊंचाई के लिए कैसा मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये पहले समझते हैं। ठीक है, हाई हाइट्स के लिए जनरली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के इम्पेलर्स को हम लोग क्या करते हैं, सेम शाफ्ट में सीरीज में, सीरीज में मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये हुआ सम्प लेवल। ठीक है, यहाँ फुटबॉल स्टेनर शो नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ क्योंकि हम हमारा फोकस है स्टेजेस के ऊपर, तो इसलिए हम स्टेजेस को ही मेनली शो कर रहे हैं। तो नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था, इतना ही चीज हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अभी क्या हो रहा है कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर हम देखें जो सीरीज में है या हाई हाइट के लिए जो यूज कर रहे हैं हम लोग, वहां पे क्या कर रहे हैं, पहले इम्पेलर का जो आउटलेट निकलता है, पहले इम्पेलर में जो पंप का, पंप के द्वारा जो हम पानी के प्रेशर को हाई कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो उसका आउटलेट जो हो रहा है, फर्स्ट पंप का जो आउटलेट हो रहा है वो सेकेंड पंप का इनलेट बन जा रहा है। ठीक है, और फिर जो सेकेंड पंप का जो फिर आउटलेट जो हो रहा है तो वो बाहर आ जा रहा है, या फिर अगर हम चाहें तो इसको, जैसे कि ये टू स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है क्योंकि यहाँ पे दो इम्पेलर है, अगर इसमें एक और इम्पेलर अगर हम कनेक्ट कर देते, जैसे कि इसके डिलीवरी पाइप को कनेक्ट कर देते थर्ड इम्पेलर के साथ, तो ये थर्ड स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हो जाता। ओके, फॉर हाई हाइट सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर्स को सेम शाफ्ट पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सक्शन पाइप से आने वाले वाटर फर्स्ट इम्पेलर से प्रेशराइज होकर डिस्चार्ज होते हैं, जो हमने पढ़ा है सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में कि पानी आया यहाँ इम्पेलर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, काइनेटिक एनर्जी हाई हुई, काइनेटिक एनर्जी हाई हुआ फिर इंक्रीजिंग एरिया के कारण, एरिया धीरे धीरे जो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है इसके कारण इस काइनेटिक एनर्जी को हमने प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके प्रेशर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में जो भी हमारा प्रेशर हाई होकर डिस्चार्ज हो रहा है उसका आउटलेट का कनेक्शन जो है उसको सेकेंड स्टेज के इम्पेलर के इनलेट से जोड़ दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अब ये जो पानी, हाई प्रेशर पानी है वो आया यहाँ पर, अब ये दोबारा यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर वही चीज, इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज किए और फिर इसको, इसका प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज किए। तो एक स्टेज में जितना प्रेशर हमारा रेज हुआ था, सेकेंड स्टेज में हमने क्या किया, उसको और हाई प्रेशर कर दिया। तो इससे क्या होगा, जब हाई प्रेशर पानी होता है तो वो ज्यादा ऊंचाई तक आ सकता है, हाई हेड्स तक उसको पहुंचा सकते हैं। तो यही कॉन्सिक्वेंस है इस टॉपिक का कि जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक के, एक इम्पेलर के आउटलेट को सेकेंड इम्पेलर के इनलेट से कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर हाई हेड्स, अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया गया मल्टी स्टेज के लिए यूज किया जाने वाला मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। इसके अलावा फिर सेकेंड चीज होता है हाई डिस्चार्ज के लिए। हाई डिस्चार्ज मतलब पंप से कितना पानी का निस्सरण हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, बाहर आ रहा है, उसके लिए कैसा कनेक्शन होता है। तो हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंप को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सारे पंप क्या होते हैं, एक कॉमन पाइप में डिलीवरी में डिस्चार्ज देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हाई डिस्चार्ज मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले पंप से जो भी हमें आउटलेट मिल रहा है, हाई प्रेशराइज वाटर जो हमें मिल रहा है, इसका आउटलेट जो है इसको एक सेम पाइप कंसिडर करते हैं और इसी में जितने भी इम्पेलर्स हम यूज कर रहे हैं उन सारे इम्पेलर्स का आउटलेट को इसी पाइप में कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाले से जो डिस्चार्ज हमें मिला Q1 और सेकेंड वाले से जो डिस्चार्ज मिला Q2, तो आखिरी में क्या हो जाता है, ये सारे जुड़ के हमें एक फाइनल डिस्चार्ज देते हैं और ये जो डिस्चार्ज होता है, ये जो पानी की मात्रा होती है ये बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, पैरेलल मतलब एक के समानांतर दूसरा, जैसा ये है इसी के समानांतर दूसरा, तो इस तरह से जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमें हाई डिस्चार्ज पानी मिलता है। तो ये हुआ आपका जो डायग्राम दिख रहा है, ये है टू स्टेज हाई डिस्चार्ज मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, और अगर इसमें और ज्यादा इम्पेलर्स जोड़ देंगे तो ये उस हिसाब से तीन, थ्री स्टेज, फोर स्टेज हो सकता है, पर एक से ज्यादा जब भी स्टेजेस होते हैं तो हम उन्हें सिंपली कह देते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप या बहुपदन सेंट्रीफ्यूगल पंप।
तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इससे हमें डिस्चार्ज मिलता है। तो पैरेलली कनेक्टेड पाइप के सारे डिस्चार्जेस को हमें जोड़ना होगा अगर न्यूमेरिकल हम बनाएंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डिस्चार्जेस जो है वो तो सेम रहेगा क्योंकि जितना पानी आ रहा है उतना ही जाएगा, परंतु यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, तो उसको ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के दोनों चीजों में। नेक्स्ट हम आते हैं कैविटेशन के ऊपर। देखिए कोटरन कहते हैं इसे हिंदी में, और कई जगह आपको सुनने मिलता होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो उसमें कैविटेशन की प्रॉब्लम आती है। तो ये कैविटेशन क्या है, इसको आप समझते हैं हम कि देखिए ये प्रॉब्लम दोनों में आती है, टरबाइन में भी आती है और पंप में भी आती है। समझते हैं इसे, कैविटेशन क्या होता है, जब किसी भी हाइड्रोलिक मशीन्स में लिक्विड प्रेशर की वैल्यू लिक्विड की वेपर प्रेशर से कम हो जाती है। देखिए हर लिक्विड का अप प्रेशर तो होता ही है जिसे हम कहते हैं लिक्विड प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा हर लिक्विड का एक वेपर प्रेशर भी होता है, ठीक है। और अगर किसी भी लिक्विड प्रेशर का जो वैल्यू है, किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर है, अगर उसकी वैल्यू उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाती है तो वहां पे कैविटेशन का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लिक्विड के वाटर बबल्स जनरेट होते हैं या वेपर बबल्स जनरेट होते हैं, या इसे हम कहते हैं कि बुलबुले जनरेट होते हैं, है ना। जब आप पानी उबालते होंगे तो आपने देखा होगा कि बुलबुले जनरेट होते हैं। वो का मेन प्रॉब्लम उसका यही है कि उसका लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। जब जब भी किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है, इसके अलावा पंप में भी ये प्रॉब्लम आता है। तो कैविटेशन में क्या होता है, लिक्विड जो होते हैं वो वेपर बबल्स फॉर्म करते हैं, पानी के बुलबुले फॉर्म करते हैं, तथा जब यह बुलबुला या बबल्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर रीजन में आते हैं, जहाँ का प्रेशर हाई है, अगर उस रीजन में आते हैं तो ये बबल्स जो होते हैं फूटने लगते हैं, बस्ट होने लगते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जब ये बबल्स फूटते हैं तो उसके कारण नॉइस होता है, मतलब आवाजें आती हैं, तथा वाइब्रेशन भी जनरेट होता है, कंपन महसूस होता है। जिस भी बर्तन में हम ये कार्य कर रहे हैं या जिस भी एलिमेंट बॉडी में हम ये काम कर रहे हैं तो वहां पे नॉइस जनरेट होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है, कंपन आती है। और इसी कंपन के कारण क्या होता है, फिर मेटेलिक सरफेस जो होता है आपका, जो मेटल का सरफेस है उस सरफेस में पिटिंग होता है, क्षरण होता है उसका, मतलब वो झड़ने लगता है, पिटिंग एक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है सरफेस हमारा डैमेज होने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, कैविटेशन के कारण हाइड्रोलिक मशीन्स की इफिशियंसी भी कम हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कैविटेशन क्या चीज है। कैविटेशन कब जनरेट होता है, जब किसी लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या है इस कैविटेशन से, तो इस कैविटेशन में बुलबुले बनते हैं, ये बुलबुले जब हाई प्रेशर रीजन में आते हैं तो ये फटने लगते हैं, और इनके फटने के कारण नॉइस जनरेट होता है, आवाजें आती हैं, वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, कंपन आता है, और जो बर्तन होता है या जो भी बॉडी होती है उसमें क्षरण एक्शन होता है, फिटिंग एक्शन होता है, जिसके कारण सरफेस डैमेज हो जाता है और इसके कारण इफिशंसी कम होने लगती है, इसके कारण इक्विपमेंट भी आपका बहुत जल्दी डैमेज होने लगता है। फिर टरबाइन में ये कहाँ पर जनरेट होता है, तो देखते हैं कैविटेशन जो है टरबाइन में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में जनरेट होता है। और ये कहाँ पर जनरेट होता है, रनर के आउटलेट पे या ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे, पानी जहां से रनर के आउटलेट से जा रहा है या ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे वहां पे जनरेट होता है। पंप में कहां पे जनरेट होता है कैविटेशन, तो पंप में ये जनरेट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंपेलर इनलेट में लिक्विड प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, इंपेलर के इनलेट में जनरेट होता है ये चीज कैविटेशन, ठीक है। इंपेलर का जो इनलेट है जहां से सक्शन पाइप से पानी आता है इंपेलर के इनलेट में, वहां पे जनरेट होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से कैविटेशन जो है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होता है, तो इसका अवॉइड करना ही हमारा काम होता है। तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसको अवॉइड करने का एक ही का रीजन है कि हम लिक्विड के प्रेशर को उसके वेपर प्रेशर से कम ना होने दें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मल्टी स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप, जिसमें हमने पढ़ा हाई हाइट्स के लिए, उच्च शीर्ष के लिए हम क्या करते हैं कि पानी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के इंपेलर्स को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक पंप के आउटलेट को दूसरे पंप के इनलेट से कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक बार जो प्रेशर हाई होता है पंप के द्वारा, सेकंड स्टेज में उसको और ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। तो इसके कारण पानी को जो प्रेशराइजेशन करने का हमारा जो क्षमता है वो दुगना तिगुना हो जाता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पानी को हम बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं 20 मंजिल 30 मंजिल में पानी पहुंचाना है तो वहां पर हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं। नॉर्मली तो हमारा सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप से एक दो मंजिलों तक पानी पहुंच जाता है हमारा, है ना। उसके अलावा देखिए फॉर हाई स्टार्ज, अगर हाई डिस्चार्ज के लिए जब हम देखते हैं तो हाई डिस्चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को, एक इंपेलर का आउटलेट या दूसरे इंपेलर का आउटलेट या सारे इंपेलर का आउटलेट को एक कॉमन पाइप से कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है सारे पाइप्स के डिस्चार्ज आखिरी में ऐड होकर हमें एक बड़ी मात्रा देते हैं डिस्चार्ज का। तो हाई डिस्चार्ज के लिए हम यूज करते हैं पैरेलली
पैरेलल कनेक्शंस के पंप्स को यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा कैविटेशन, जब लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो कैविटेशन स्टार्ट होता है, बबल जनरेट होते हैं, पानी के बुलबुले आते हैं, वो मेटल के सरफेस के पास जहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है वहाँ आके फूटने लगते हैं, जिनके कारण वाइब्रेशन जनरेट होता है, नॉइज जनरेट होता है, पिटिंग एक्शन होता है, सरफेस डैमेज होता है, एफिशिएंसी कम होती है, और टर्बाइन में ये जनरेट होता है रनर के आउटलेट पे या ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे, जबकि पंप में ये इंपेलर के इनलेट पे ही जनरेट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और कल के यूनिट में हमें पढ़ना है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप पढ़ना है, ठीक, पंप की विशिष्ट गति। जेट पंप आपके सिलेबस में नहीं है, और इसके अलावा पढ़ना है हमें ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंप्स, ठीक है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। इतनी चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो हमारा पंप का एक पोर्शन कम से कम कंप्लीट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप का सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके अलावा प्राइमिंग तो आप समझ ही गए हैं कि प्राइमिंग क्या है, और कैविटेशन भी आज हमने पढ़ लिया है, तो कैविटेशन प्राइमिंग ये तो सभी जगह यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में के लिए इतना ही, आप लोग घर में स्टडी कीजिए, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।